तो सभी मित्रों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। सूर्य देव का राशि परिवर्तन मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए क्या फल लेकर आ रहा है, उसी पे चर्चा करेंगे। सूर्य देव कर्क राशि में आ रहे हैं। कर्क राशि जल राशि है और सूर्य अग्नि के कारक है। तो कर्क राशि में सूर्य देव का आना देश के राजाओं के लिए, सत्ता में बैठे लोगों के लिए, विश्व के किसी भी देश की सत्ता को समझिए इसमें, क्योंकि सूर्य सिर्फ भारतवर्ष के लिए नहीं बदल रहा है, उनको कमजोर करेगा, यानी सत्ताओं को कमजोर करेगा। जल में अग्नि चली जाए तो क्या होता है, वही होगा। सूर्य देव इस जगत की आत्मा के कारक हैं, सूर्य देव पिता के कारक होते हैं, सूर्य देव सत्ता और प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के कारक होते हैं। सूर्य अगर आपकी जन्म कुंडली में कमजोर है तो आपकी हड्डी टूटने का खतरा बना रहता है, और सूर्य देव अगर आपकी कुंडली में कमजोर है यानी जन्म कुंडली में, तो आपको जीवन में सम्मान, पद, सफलता बड़ी मुश्किल से मिलती है। जैसे सूर्य देव जगत की आत्मा कहलाते हैं, उसी तरह सूर्य देव आत्मकारक प्लेनेट कहलाते हैं सभी के लिए। सूर्य देव मेष राशि में उच्च के और तुला राशि में नीच के होते हैं। कर्क राशि में सूर्य देव जैसे ही आए हैं, आपको ये भी याद रखना है कि सूर्य देव इस वक्त अपनी नीच राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी सूर्य देव इस वक्त नीचगामी है। कमजोर और अशुभ सूर्य आंखों में समस्या भी देता है। तो चलिए गोचर की बात करते हैं कि सूर्य देव का यह गोचर आपके लिए कैसा रहने वाला है। सूर्य देव कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में 3 डिग्री 20 कला तक रहेंगे, यानी बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे। उसके बाद पुष्या नक्षत्र में चले जाएंगे, 16 डिग्री 40 कला तक रहेंगे। उसके बाद बुध के यानी आश्लेषा के नक्षत्र में विचरण करेंगे। आप सभी जानते हैं कि एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। तो गोचर की शुरुआत में जो नक्षत्र है सूर्य के लिए मित्र नक्षत्र है, उसके बाद पुष्य नक्षत्र शनि देव का जो मित्र नक्षत्र नहीं है, उसके बाद बुध का नक्षत्र मित्र कहा जा सकता है, क्योंकि सूर्य पिता होते हैं और बुध को राजपुत्र कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमेशा की तरह मेष राशि के जातकों के बारे में। तो मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य देव होंगे चौथे भाव में। चौथे भाव में सूर्य देव का विचरण मान हानि का योग बनाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य देव चौथे भाव में है तो सूर्य देव कमजोर कहलाते हैं, क्योंकि इसका मतलब है आपका जन्म रात का है और सूर्य दिवाबली ग्रह होते हैं। गोचर की शुरुआत में उच्च शिक्षा में आपको सफलता के योग बनेंगे, लंबी दूरी की यात्रा पे आप जा सकते हैं, प्रेम संबंधों में आपका ब्रेकअप होने का योग बनता है, और नौकरी करते हैं तो आपकी नौकरी छूटने का खतरा बढ़ रहा है। गोचर के मध्य में इच्छा पूर्ति होगी, सम्मान मिलेगा, पद प्राप्ति होगी। रियल एस्टेट के कामों से जो लोग जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर के कामों से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए लाभकारी समय रहने वाला है। और गोचर के अंत में इसे समझे कि बुध के नक्षत्र में प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। जो ब्रेकअप हो गया था, हो सकता है वो रीयूनियन में बदल जाए, लेकिन शत्रुता का सामना आपको करना पड़ेगा प्रेम संबंधों में। नए योगा योग होंगे, नया प्रेम संबंध भी जीवन में आ सकता है। योगा योग के माध्यम सशक्त होंगे और योगा योग के माध्यम से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। वृष राशि के मित्रों के लिए सूर्य देव होंगे तीसरे भाव में। तीसरे भाव में सूर्य देव का विचरण साहस में वृद्धि और आर्थिक लाभ का योग बनाते हैं। गोचर की शुरुआत में खर्च की अधिकता, वास स्थान में परिवर्तन, बाधा, डिप्रेशन और अकेलेपन का शिकार बना सकता है आपको। गोचर के मध्य में पद प्राप्ति, लंबी दूरी की यात्रा, उच्च शिक्षा में सफलता, सरकारी कामों से लाभ और कर्म स्थान पे नए योगा योग। गोचर के अंत में नया मकान, नया घर लेने का योग भी बन रहा है। शेयर मार्केट से लाभ के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, सेविंग्स में वृद्धि होगी और आर्थिक गतिविधियों में आपको लाभ मिलेगा। मिथुन राशि के मित्रों के लिए सूर्य देव होंगे दूसरे भाव में। दूसरे भाव में सूर्य देव का विचरण अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। मन में किसी प्रकार का भय आपके
लगा रहेगा, किसी बात को लेकर आप चिंतित रहेंगे, लेकिन धन प्राप्ति के मामले में आप भाग्यशाली रहेंगे। गोचर की शुरुआत में संतान संबंधी खुशखबरी मिल सकती है, स्वास्थ्य लाभ होगा, व्यवसाय से आपको लाभ के योग बन रहे, अविवाहित मित्रों का विवाह संबंध भी जुड़ सकता है, मित्रों की सहायता मिलेगी, गुरुओं की सहायता मिलेगी, यानी आपके जो गुरु हैं, आपके जो सीनियर हैं, जो आपके गाइड हैं, उनकी मदद आपको मिलेगी। गोचर के मध्य में धन की हानि, लेकिन भाग्य की सहायता मिलेगी। कामों में बाधा, यात्रा में आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी, इस वक्त वाहन सावधानी से चलाएं, छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव और रिश्ते नातेदारों के साथ टकराव हो सकता है। गोचर के आखिर में छोटी यात्रा, वासस्थान में परिवर्तन, नए योगा योग, मार्केटिंग के काम में लाभ, छोटे भाई बहनों से मदद मिलेगी आपको, विशेष करके आपकी छोटी बहन आपकी मदद कर सकती है। कर्क राशि के मित्रों के लिए सूर्यदेव होंगे प्रथम भाव, प्रथम भाव में सूर्यदेव का विचरण बेहतर फल नहीं करता, विशेष करके आपके दाम्पत्य जीवन के लिए। धन संबंधी चिंता इस गोचर के दौरान आपके दिमाग में घूमती रहेगी। गोचर की शुरुआत में लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है, भाग्य की सहायता मिलेगी, यानी भाग्य की सहायता से आप बड़े नुकसान से बचेंगे बाल बाल। प्रेम संबंधों में बदनामी, कर्म स्थान पे छुट्टी का योग बन रहा है, यानी कर्म स्थान पे आपकी छुट्टी हो सकती है। गोचर के मध्य में अकेलापन, डिप्रेशन, दाम्पत्य जीवन में कलह, ससुराल पक्ष के द्वारा परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है, कामों में डिले होगा, और गोचर के आखिर में धन प्राप्ति होगी, नए नए माध्यमों से आपको लाभ के योग बन रहे हैं, सेविंग्स में वृद्धि होगी, विदेशों से धन आय होने के योग बन रहे हैं। अगर आप किसी तरह ऐसे काम से युक्त हैं जिसका लेन देन आपका विदेशों से है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से भी आपको लाभ मिलने के योग बनते हैं, और आजकल तो ऑनलाइन का काम है, लिखा पढ़ी के काम, हिसाब किताब के काम में भी आपको लाभ के योग बन रहे हैं, भले ही आप वो घर बैठ के कर रहे। कम्युनिकेशन स्किल आपकी बढ़ी। सिंह राशि के मित्रों के लिए सूर्यदेव होंगे द्वादश भाव में, नींद की कमी, बेडरूम प्लेजर में कमी, कष्ट, तकलीफ, परेशानी, धन हानि, आत्मविश्वास में कमी, लंबी दूरी की यात्रा होगी गोचर की शुरुआत में, प्रेम संबंधों में बदनामी हो सकती, गोचर के मध्य में नए योगा योग, दाम्पत्य जीवन में चली आ रही परेशानी का अंत, यानी जो मिसअंडरस्टैंडिंग, मनमुटाव, अनबन चला आ रहा था वो खत्म हो जाएगा, आपसी समझदारी से आप मिल बैठकर बात करके उसे मिटा लेंगे, नए व्यवसाय की शुरुआत हो सकती है, अविवाहित मित्रों का विवाह संबंध जुड़ सकता है, नई पार्टनरशिप करने की आप सोच सकते हैं। गोचर के आखिर में सेविंग्स में वृद्धि, धन लाभ, स्वास्थ्य लाभ, लेकिन खर्च की अधिकता बनी रहेगी, सोच समझकर खर्च करें, नहीं तो आपको आर्थिक हानि के सम्मुखीन खड़ा होना पड़ेगा। कन्या राशि के मित्रों के लिए सूर्यदेव होंगे एकादश भाव में, आर्थिक लाभ का योग बनाएंगे, लेकिन गोचर की शुरुआत में आपको नुकसान हो सकता है, कामों में डिले, व्यवसाय में लॉस के योग बन रहे, आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड झंझट में पड़ना पड़ सकता है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नौकरी ढूंढ रहे हैं अगर, जॉबलेस हैं अगर, तो आपको जॉब मिलने की संभावना बन रही है, दाम्पत्य जीवन में अनबन और अलगाव के योग बन रहे, और गोचर के आखिर में खर्च की अधिकता, आत्मविश्वास में कमी और काम की वजह से विदेश यात्रा का योग बन रहा है। तुला राशि के मित्रों के लिए सूर्यदेव होंगे दशम भाव में, दशम भाव में सूर्यदेव का विचरण कार्य सिद्धि करवाता है, पद प्राप्ति और सम्मान में वृद्धि करवाता है, रुके हुए काम पूरे होते हैं, काफी दिनों से पेंडिंग काम जो आपके पड़े हुए थे वो अब आप पूरा करने में कामयाब रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं निश्चित प्राप्ति से वंचित होने के योग भी बन सकते हैं। नए योगा योग होंगे गोचर की शुरुआत में, नई पार्टनरशिप आप कर सकते हैं, व्यवसाय में वृद्धि होगी, गोचर के मध्य में प्रेम संबंधों में सफलता, और आपकी उम्र हो चुकी है अगर तो कर्म स्थान से रिटायरमेंट का दिन या समय आपका आ चुका है, इस महीने हो सकता है आपका रिटायरमेंट।
शिक्षा में अग्रगति होगी, संतान के साथ आप समय बिताएंगे और गोचर के आखिर में इच्छा पूर्ति, स्वास्थ्य लाभ, भाग्य की सहायता, लंबी दूरी की यात्रा, धार्मिक स्थल पर जाने का योग, मित्रों की सहायता मिलेगी आपको। वृश्चिक राशि के मित्रों के लिए सूर्यदेव होंगे नवम भाव में। नवम भाव में सूर्यदेव का विचरण वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अच्छा संकेत नहीं ला रहा। दसवें सूर्य यहां नवम में आ रहे हैं, प्रशासन पे पकड़ कमजोर होगी। अनचाहा तबादला हो सकता है, यानी आप तबादला जहां नहीं चाहते हैं वहां हो सकता है। लंबी दूरी की यात्रा के योग बनते हैं। कर्म स्थान पे काफी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। गोचर की शुरुआत में स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। प्रेम संबंधों में शत्रुता और गलत जगह इन्वेस्टमेंट करने की वजह से आप आर्थिक तंगी का शिकार हो सकते हैं। शिक्षा में काफी कड़ी प्रतियोगिता का सामना आपको करना पड़ेगा। गोचर के मध्य में घर के कामों को लेकर व्यस्त रहेंगे। डोमेस्टिक लाइफ में आपको काफी व्यस्त रहना पड़ेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कामों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ये लाभकारी समय रहने वाला है। घर से बाहर कहीं थे तो आपके घर वापस आने की स्थिति भी बन रही है। कोई बड़ी प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं इस वक्त। और गोचर के आखिर में पद प्राप्ति, सम्मान वृद्धि और इच्छा पूर्ति का योग बन रहा है। पुरानी समस्याओं से मुक्ति मिलने के योग बन रहे हैं। धनु राशि के मित्रों के लिए सूर्यदेव होंगे अष्टम भाव में। अष्टम भाव में सूर्यदेव का विचरण कष्ट, तकलीफ, अपमानजनक स्थितियां देता है। भाग्यहीनता का शिकार आप बन सकते हैं। गोचर की शुरुआत में प्रेम संबंधों को लेकर परेशानी, लेकिन स्वास्थ्य लाभ के योग बनते हैं। गोचर के मध्य में यात्रा में परेशानी, वाहन बहुत सावधानी से चलाना होगा आपको। छोटी यात्रा पे आप जा सकते हैं। वास स्थान में परिवर्तन के योग बनते हैं। पड़ोसियों और छोटे भाई बहनों के साथ विवाद हो सकता है। कुछ धन की प्राप्ति की आशा भी कर सकते हैं आप इस वक्त। आपके पिता की उम्र बहुत हो चुकी है तो उनसे विच्छेद हो सकता है। गोचर के आखिर में लंबी दूरी की यात्रा, भाग्य साथ देगा आपका। व्यवसाय में भाग्य आपका साथ देगा। नए योगा योग होंगे। कर्म स्थान पे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यहां भी अनचाहा तबादला आपको झेलना पड़ सकता है। मकर राशि के मित्रों के लिए सूर्यदेव होंगे सप्तम भाव में। सप्तम भाव में सूर्यदेव का विचरण दाम्पत्य जीवन में आपको परेशानी दे सकता है। पुरानी समस्याएं उभर कर सामने आ सकती है। ससुराल पक्ष से आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। गोचर की शुरुआत में पारिवारिक जीवन को लेकर काफी हताशा वाला माहौल आपको दिखेगा। खर्च की अधिकता, नए योगा योग से नुकसान। किसी नए काम की शुरुआत करेंगे तो उससे आपको लाभ होता दिखाई नहीं देगा। गोचर के मध्य में सेविंग्स में वृद्धि, व्यवसाय से लाभ, लेकिन आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। और गोचर के आखिर में स्थितियां आपके फेवर में नहीं रहेंगी। भाग्यहीनता का शिकार आप बन सकते हैं। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन में अनबन के योग प्रबल हो रहे हैं। कुंभ राशि के मित्रों के लिए सूर्यदेव होंगे छठे भाव में। छठे भाव में सूर्यदेव का विचरण आपके शत्रुओं का नाश करेगा। आर्थिक वृद्धि होगी। गोचर की शुरुआत में नए योगा योग से लाभ, धन लाभ, सेविंग्स में वृद्धि और लोन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। गोचर के मध्य में आत्मविश्वास में वृद्धि, कामों में डिले, मामला मुकदमा में जीत। फिर भी कोर्ट केसेस और मामला मुकदमा से बचे रहने की कोशिश करें। गोचर के अंत में नए योगा योग, व्यवसाय में अग्रगति, पुरानी चली आ रही समस्याओं का समाधान, प्रेम संबंधों में सफलता और दाम्पत्य जीवन में प्रेम की वृद्धि का योग बन रहा है। मीन राशि के मित्रों के लिए सूर्यदेव होंगे पंचम भाव में। पंचम भाव में सूर्यदेव का विचरण आपको निर्धनता का योग बनाता है। धन का नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य लाभ होगा आपको। हालांकि गोचर की शुरुआत में सेविंग्स में वृद्धि होगी। सरकारी कामों से आपको लाभ हो सकता है, धन प्राप्ति होगी, लेकिन गोचर के मध्य में खर्च आपकी उम्मीद से ज्यादा हो सकता है। किसी प्रकार के कोर्ट केसेस में आपको
उलझना पड़ सकता है और गोचर के आखिर में दाम्पत्य जीवन में अनबन और पार्टनरशिप टूटने के योग बन रहे, व्यवसाय में हानि के योग बनते। मेष से मीन तक का गोचर फल मैंने आपको बता दिया, अब आगे जो मैं बता रहा हूं उसे सुनिए। सूर्य की महादशा या सूर्य की अंतरदशा आपको चल रही है तो ही सूर्य के इस गोचर का फल आपको तीव्रता से मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। बहुत हल्की परेशानी होगी आपको। तो ये था सूर्य का गोचर फल मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए।